हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास सिक्स में चैप्टर नाइन वाच्य की रीडिंग करते हैं। ओके, यस, देखिए बेटा, यस, देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ओके, भाषा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इन भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हम अपने वाक्य में कभी कर्ता की प्रधानता रखते हैं, कभी कर्म की, तो कभी भाव की। जैसे बच्चा गेंद खेल रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है और मुझसे चला नहीं जाता है। ओके, इसके प्रकार देखिए बेटा, तीन प्रकार हैं इसके, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यस, कर्तृवाच्य देखिए पहले, ये इसके एग्जांपल, माया बाजार जा रही है, करण क्रिकेट खेल रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं जा रही, खेल रही तथा सुन रही के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हैं, अतः ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, यानी जो काम कर रहा है स्वयं कर्ता होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी किसकी प्रधानता होती है? काम करने वाले की। ओके, कर्मवाच्य देखिए, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ग्रीष्म के द्वारा सेब खाया जा रहा है, लड़कों द्वारा गाना गाया जा रहा है, इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता बताई गई है। परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। ओके, भाववाच्य देखिए, एग्जाम्पल, बुढ़िया से चला नहीं जाता है, अपाहिज से दौड़ा नहीं जाता है, ये इनके उदाहरण हैं बेटा। इसमें नहीं कर्म प्रधान है, नहीं कर्ता प्रधान है, भाव प्रधान है इसमें। यस, देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाच्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म में से कोई नहीं है बल्कि क्रिया का भाव है, वे भाववाच्य कहलाते हैं, यानी भाव की जहाँ प्रधानता होती है। ओके, अब वाच्य परिवर्तन के नियम देखिए बेटा, कृत्र से कर्म बनाना। जैसे देखिए, कृत्रवाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है जब कर्त्र से कर्म बनाते हैं। जैसे देखिए, उमेश पत्र पढ़ता है, उमेश से पत्र पढ़ा जाता है, या उमेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ये भी हो सकता है। उमेश द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ये भी हो सकता है। किसके उदाहरण हो जाएंगे? कर्म वाच्य के। अधे कृत्र से भाव बनाइए, वह नहीं सोएगा, उससे सोया नहीं जाएगा, राजू नहीं पढ़ता, राजू से पढ़ा नहीं जाएगा, विवेक नहीं उठता, विवेक से उठा नहीं जाता। ये कृत्र से हमने भाववाच्य में परिवर्तन किया है। ओके, यस बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बेटा। ओके, सो आप इसे लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बेटा।